आज हमने पढ़नी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के देखने के उसको कितने ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। मेनली इसके दो ग्रुप्स होते हैं, एक होता है ओपन चेन और दूसरा है क्लोज चेन। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम ओपन चेन को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो दिस इज़ द ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनकी एंड कार्बन्स होती हैं ना वो फ्री होती हैं, के उनके टर्मिनल कार्बन एटम्स होते हैं वो फ्री होते हैं, उनके साथ दूसरा कोई एटम नहीं जुड़ा होता। यानी कि जो जो कंपाउंड है आपका उसके अंदर पहली कार्बन और जो सबसे लास्ट वाली कार्बन होगी वो आपस में इस तरह से नहीं जुड़ी होंगी, वो कोई रिंग नहीं बना रही, वो कोई साइकिल नहीं बना रही, वो एक ओपन चेन है, उसके एंड्स बिल्कुल फ्री हैं, ओपन है, उसके साथ कुछ भी लग सकता है, उसके साथ कुछ भी, कोई क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन कुछ भी लग सकता है, लेकिन उसके लास्ट पे कार्बन नहीं लगेगा। हाँ, वहाँ पे कोई अल्कोहल लग सकता है, OH लग सकता है, वहाँ पे कोई कीटोनिक ग्रुप लग सकता है। ये एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे बनाया हुआ, इसमें मैंने चार कार्बन हैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनाया है। इसमें अगर आप देख लें कि ये जो फर्स्ट वाली कार्बन है आपकी, ये कार्बन वन है फॉर एग्जांपल, ये आपकी कार्बन फोर्थ है जो कि आपकी लास्ट कार्बन है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे एक कार्बन में और अटैच कर सकती हूँ, चार पाँच जितने मर्जी में यहाँ पर लगा सकती हूँ कार्बन, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा, वो एक रिंग नहीं बन रही, कोई इसमें कोई साइकिल नहीं बन रहा, कोई रिंग नहीं बन रही, कोई शेप नहीं बन रही, बस एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो टर्मिनल्स हैं उसके वो फ्री हैं, इसलिए इसको ओपन चेन बोलते हैं, क्योंकि इसके टर्मिनल्स, इसकी जो लास्ट जिसको एंड कार्बन बोल रहा है या टर्मिनल कार्बन है वो फ्री है इसके साथ, वो यहाँ पर कोई भी बॉन्ड बना सकती है, यहाँ पर अपने साथ OH लगा सकती है, अल्कोहल ग्रुप लगा सकती है, कीटोनिक ग्रुप लगा सकती है, वो कोई यहाँ पर कोई हेलोजन लगा सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपनी वैलेंसी को पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, इन ये फ्री है यहाँ पर, राइट। अब ये स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है और यहाँ पर देखिए मैंने नीचे ड्रॉ किया है, ये भी फोर कार्बन्स ही हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि मैंने एक कार्बन नीचे निकाल दिए, यहाँ से नीचे तीन ऊपर रख दिए, एक चौथी वाली जो है वो नीचे निकाल दिए। यहाँ मैंने इसकी एक ब्रांच बना दी, आप इसको ब्रांच भी कह सकते हो, जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट चेन, राइट, उसको हम स्ट्रेट चेन बोलेंगे, और जो ये इस तरह की होगी ना इसको हम बोल देंगे ब्रांच, राइट, इसको हम ब्रांच बोल देंगे, इसको स्ट्रेट चेन बोल दिया, इसको हमने ब्रांच चेन बोल देती है। ये जो मैंने बनाया ना ये स्ट्रक्चर है, जब आपको अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है ओपन चेन कंपाउंड्स का कि ओपन चेन कंपाउंड्स का होते हैं, उसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो आपने उसके अंदर स्ट्रक्चर बनाना नहीं बनाना आपकी मर्ज़ी, लेकिन आपने उसमें एग्जांपल ज़रूर देनी है आपकी। मैं इसी को ले लेती हूँ जी, फोर कार्बन्स ले लेती हूँ मैं, 1, 2, 3 और 4, इनके दरमियान में डाल देती हूँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब हमें पता है कि जो कार्बन है उसके लास्ट वैलेंस शेल में फोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना होता है कि उसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए फोर बॉन्ड्स बनाने होते हैं। इस कार्बन के केस में इसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ, यहाँ पे इसके पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे, मैं इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स अटैच कर रही हूँ इसको स्टेबल करने के लिए, राइट। इस कार्बन के केस में देखें तो यहाँ पर 2 इसके पहले से बॉन्ड बने हुए हैं, इसके पास अभी 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तो मैं यहाँ पे H2 लगा रही हूँ, 2 हाइड्रोजन लगा देती हूँ, चलो जी इसको स्टेबल करने के लिए इस कार्बन को भी, इसके पास भी 2 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगा देती हूँ, लास्ट वाला है पहला यहाँ एक इसमें बनाया हुआ है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देती हूँ। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखी हुई है, इसमें हाइड्रोजन की अरेंजमेंट किस तरह से है और क्यों इसको ऐसे लिखा हुआ है इसके आपको समझ आ गई होगी। जो इसमें हाइड्रोजन है कार्बन्स को स्टेबल करने के लिए, इसमें हाइड्रोजन की हमने जो है ना अमाउंट को पूरी कर दिया, अब इसी को मैं 4 हाइड्रोजन्स हैं मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, 1, 2, 3 और 4th वाली, क्योंकि मैंने एग्जांपल में पहले एक नीचे निकाली थी उसको नीचे निकालती हूँ, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, 3 ये और चौथा बॉन्ड ये, कार्बन स्टेबल होगी, 1, 2, 3 यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आएगी,
यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से बना हुआ है, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे भी पहले एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको तीन हाइड्रोजन यहाँ पे भी लगा दूँगी। इस स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में दोनों में सेम है बातें, दोनों में चार ही कार्बन्स हैं, कार्बन्स के अमाउंट दोनों में चार ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसमें मैंने ब्रांच निकाल दी है। फोर कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड को ना हम बोलते हैं ब्यूटेन, ठीक है, इसको मैं बोलूँगी एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मली इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी एक ब्रांच निकाल दी है, हैं चार कार्बन ही, लेकिन ये ब्यूटेन का क्या है, आइसोमर है, एक है ब्यूटेन ही, ये भी ब्यूटेन ही है, लेकिन क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज वो चेंज हो जाएंगी। ब्यूटेन का आइसोमर ये बन गया, इसको मैं लिख दूंगी आइसो ब्यूटेन। इस तरह से, राइट, इसको मैं लिख दूंगी आइसो ब्यूटेन। अब इन स्ट्रक्चर्स को, दोनों स्ट्रक्चर्स को अगर हम आपस में मैच करें, ये देखिए बिल्कुल ओपन चेन है, यहाँ पे भी ओपन चेन है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे हैलोजन भी आ सकता है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप यहाँ पर कोई हैलोजन लगा सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन स्टिल क्या होगा, ये कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ ज्वाइन नहीं की होगी, ये एक जितने मर्जी इस पर कार्बन आगे इसके आगे लगाई जाओ, चाहे यहाँ पे पांच कार्बन कर दो, छह कार्बन कर दो, लेकिन वो एक स्ट्रेट ही बनाएंगे, वो कोई रिंग नहीं बनाएंगे, वो कोई साइकिल नहीं बनाएंगे। इसको ओपन चेन बोला है हमने, इसको ओपन चेन इसीलिए बोला है। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आपने उसमें एग्जाम्पल ज़रूर देनी है। नेक्स्ट अब हम क्लोज्ड पे आ जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक